रामपुर हाउंड जी और जो बाकी के ग्रे हाउंड हैं जी, उनमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये आप प्लीज बताएं। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। बहुत लोग पूछ लेते हैं, लोगों को पता नहीं, ये ग्रे हाउंड से ही बना है। तो जाहिर बात है रामपुर हाउंड में तो उसका रेजेम्बलेंस आएगा ही। तो डेंगर एनफील्ड की किताब है, तो राइटर से बहुत बड़े, तो उन्होंने लिखा है कि देर इज ए लिटिल डिफरेंस इन द रामपुर हाउंड एंड द ग्रे हाउंड, देर इज ए डिफरेंस इन द मजिल एंड कैरेज ऑफ द टेल। जो रामपुर हाउंड का जो मजिल है, हेड है, वो थोड़ा ब्राड होगा, बड़ा जी सर, और फ्लेट हेड होगा, मत्थे की चौड़ाई ज़्यादा होगी, मुंह लंबा और कुछ मोटा होगा इन कंपेरिजन टू ग्रे हाउंड। और ग्रे हाउंड का जो हेड है वो छोटा होता है, और ग्रे हाउंड के हेड के लिए कहा जाता है वो दैट इज़ लाइक ए कंच सेल, मंदिर में जो संग नहीं बजाया जाता है, इस तरीके उसका छोटा हेड होता है, और दोनों कानों के बीच के जो डिस्टेंस है बहुत कम होती है, और मुंह उसका छोटा होता है और बॉडी बड़ी होती है। टेल की बात करें तो जो ग्राउंड है वो टेल को दोनों पैरों के भीतर ले जाता है पेट के नीचे, और रामपुर हाउंड की टेल जो है वो बिल्कुल नीचे हैंग करती हुई और दोनों पैरों के बीच में आ करके वो थोड़ा से आर्क तलवार के तरीके से मुड़ जाती है। बस मजिल और टेल का डिफरेंस है, बस दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल एक ही प्रकार के हैं। हमारा जो रामपुर हाउंड इसमें हंच ज़्यादा होता है जी, जी। और ग्राउंड में कम्पेटिव उसका हंच कुछ कम होता है। तो आपने बहुत ही अच्छा डिफरेंस बताया, इससे ज़रूर हमें आसानी होगी ग्राउंड्स में डिफरेंशिएट करने की।